हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भी आपकी तरह एक पल्स पीड़ित हूँ। पर दोस्तों, मुद्दे की बात यह है, हमारा इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये नहीं होता कि हमारी वीडियो के माध्यम से लोगों को पैसे मिल जाएँ, क्योंकि ये प्रोसीजर सरकार के हाथ में। हम केवल आपकी तरह पीड़ित हैं, और पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझता है। क्या मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, क्या इस वक्त न्यूज़ें चल रही हैं, उसके आधार पर धरातल पर क्या निवेशकों का पैसे मिलने का निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि इस मुद्दे को जागरूक बनाकर रखें, नहीं तो ये मुद्दा निवेशकों को पैसे देने में बहुत ही विफल जो चल रहा है और भी ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो पर बने रहें और समझने की कोशिश करें कि इस वक्त पल्स रिफंड अपडेट जो हमारे पास आ रही हैं वो किस तरह की आ रही हैं। अगर आपका या फिर आपके किसी भी जानने वाले का पैसा PSEL में फंसा हुआ है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 19 लाख से ज़्यादा निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं क्या अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है, अगर आपका या फिर आपके किसी जानने वाले का पैसा PSEL में फंसा है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 19 लाख से ज़्यादा निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। पल्स रिफंड के 19 लाख से अधिक निवेशकों को 920 करोड़ रुपया वापस किए गए हैं। या दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि 19 लाख से अधिक निवेशकों के 920 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं, जबकि निवेशकों की संख्या 5 करोड़ 85 लाख है। इन निवेशकों का कंपनी के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का दावा है। तो दोस्तों, 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का 49,000 करोड़ रुपया, यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपया ही बताया जा रहा है मात्र। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को जानकारी दी। तो दोस्तों, यहाँ पर जुटाई गई रकम 60,000 करोड़ रुपए, जो यहाँ पर कंपनी के साइड बेच कर जुटाई गई। देनदारी से 3 गुना प्रॉपर्टी बैलेंस सब सेबी के पास। अब दोस्तों, कंपनी के कृषि और रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर लोगों का पैसा जुटाया था। अवैध रूप से सामूहिक योजना के अंतर्गत 18 साल के दौरान 60,000 करोड़ रुपया से अधिक जुटाए गए थे। सेना भर्ती न्यायाधीश RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति, दोस्तों ये RM लोढ़ा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी गठित की गई। चीफ जस्टिस रिटायर RM लोढ़ा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये इनका काम PSEL की संपत्ति को बेचना है और उस पैसे को सेबी विभाग के अकाउंट में डालना है। तो ये अध्यक्षता वाली समिति ने PSEL के निवेशकों के लिए चरणबद्ध तरीके से निवेशित राशि वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो दोस्तों, सबसे पहले सेबी ने यह प्रक्रिया शुरू की थी। प्रक्रिया सेबी से नहीं चल पाई क्योंकि ये इसमें विफल रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने RM लोढ़ा कमेटी के को गठित किया, उसके द्वारा यहाँ पर यह रिफंड प्रोसीजर का पोर्टल खोला गया। आगे क्या है, चलिए समझते हैं। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने की वेबसाइट के मुताबिक अब तक समिति सफलतापूर्वक 19,61,660 आवेदनकर्ताओं को 919,51,000 करोड़ रुपया लौटाए हैं। इनका बकाया मूल राशि 17,000 करोड़ रुपये तक है। यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से ये बात बता दी गई है कि 49,000 करोड़ रुपया जो निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपया इन्होंने यहाँ पर बताया कि इन्होंने रिकवर किया PSEL कंपनी ने। तो अब दोस्तों, यहाँ पर 17,000 करोड़ रुपए का ही मात्र देनदारी की यहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है। तो ये न्यूज़ दोस्तों अपने आप में बहुत ही अलग तरह की। समिति ने फरवरी में निवेशकों से PSEL से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र देने को कहा था ताकि उनका पैसा सत्यापन के बाद वापस किया जा सके। मूल प्रमाण पत्र स्वीकार करने की तिथि, तो दोस्तों ये जो तिथियां हैं आपकी जो सबमिट करने की दी गई हैं, ये जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोसीजर 2016-17 से चालू है और ये एक कछुआ चाल की गति से चल रहा है।
तो दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप लोगों का पैसे को कितना घटा दिया गया है। सेवी विभाग जो एक ऐसा प्रोसीजर जो ऑनलाइन के नाम पर केवल ठगी का यहाँ पर एक प्रोसीजर है। निवेशक इतने निम्न वर्ग के और रेहड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जो ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं जानते, वो अपने बॉन्ड सबमिट कर नहीं किए, उनके घर बॉन्ड पड़े हुए हैं, उनका कोई भी पेपर वहाँ पर जमा नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर एक विडंबना नहीं है, विडंबना ये भी है, एक तो सरकार 49,100 करोड़ रुपए को 17,000 करोड़ रुपए ही मात्र दिखा रही है, और प्रोसीजर पर भी आपको क्या इस वक्त चल रहा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2,500 पर साल ये बढ़ाते हैं, 2,500 की प्रक्रिया से शुरू किया था, मात्र 2023 आ चुका और अभी तक 17,001 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक का ही रिफंड प्रोसीजर यहाँ पर अपने पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं। जिन निवेशकों के बॉन्ड की वेरिफिकेशन का सत्यापन हो चुका है, उनके मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, तो उनके लिए ही ये पैसे देने की प्रक्रिया चालू है। वो निवेशक अपने ओरिजिनल बॉन्ड सेवी विभाग कार्यालय पर भेजे, यानी कि अब तक तो आपने ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से बॉन्ड सबमिट किए, उनकी छाई कापियाँ आपने सबमिट की, अब सेवी विभाग ओरिजिनल बॉन्ड मांग रहा है। तो दोस्तों आपके पास अगर मैसेज आया है और मैसेज में आपको बॉन्ड सबमिट करना है तो आप जल्द से जल्द करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई थी। तो दोस्तों ये जो महीना आपका चल रहा है अक्टूबर का, 1 अक्टूबर से ये प्रक्रिया चालू है और 1 अक्टूबर से चालू है और 31 अक्टूबर 2023 तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी, यानी कि ये महीना ही लास्ट आपका आवेदन सबमिट करने का, यानी कि ओरिजिनल बॉन्ड आप सेवी विभाग के कार्यालय पर भेजेंगे। तो दोस्तों ये थी पीएसीएल से जुड़ी